हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरी किचन की थाली में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज बना रही हूँ आप सभी के लिए जीरा राइस और दाल फ्राई। तो चलिए देख लेते हैं हमने इनको बनाने के लिए क्या क्या लिया है। जीरा राइस बनाने के लिए बासमती राइस लिया है, इसे धो के सोख कर लिया है करीब 1 घंटे। यहाँ पे हमने दाल भी धो के रख ली है 1 कटोरी। 2 बड़े टमाटर हमने काट के रखे हैं। कुछ लहसुन लिया है, इन्हें भी बारीक काट लिया है। नमक लिया है, जीरा लिया है, राई है, कड़ी पत्ता लिया है, इसे दाल का स्वाद बहुत अच्छा आता है। 2 बड़े प्याज हैं, हरी मिर्च और लाल मिर्च है, इसे हम तड़के में डालेंगे। हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और ये तेज पत्ता, पत्तर फूल। चलिए बनाना शुरू करते हैं। दाल को हम कुकर में डाल के उबाल लेंगे। करीब ये 1 कटोरी दाल है। दाल को इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल ढाबे की खाना भूल जाएंगे आप। तो आधी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है, स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है और 3 सीटी आने तक इसे गैस पर रख दूंगी। साथ ही जीरा फ्राई बना लेते हैं। एक चम्मच हमने तेल डाल दिया है, चावल के अनुसार ही तेल डालें। जीरा डाल दिया है, अच्छे फ्लेवर के लिए जीरा तड़कने देंगे ताकि इसका स्वाद अच्छा आ जाए। इसमें डाल दूंगी तेज पत्ता, पत्तर फूल, जो भी आपको डालना है खड़े मसाले डाल सकते हैं। मैंने तेज पत्ता और पत्तर फूल ही डाला है यहाँ पे अच्छे फ्लेवर के लिए। थोड़ा से तड़कने देंगे और अच्छे स्वाद के लिए मैं हरा धनिया काट के डाल दूंगी इसमें। इससे राइस का स्वाद बहुत अच्छा आ जाएगा, आप बार बार बना के खाना चाहेंगे। इसका भी फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पे हम 2.5 गिलास के करीब पानी डाल देंगे। 1.5 गिलास हमने चावल लिया है और चावल को पहले ही धो के सोख कर लिया है, इसलिए हम पानी कम डालेंगे और इसे भी 2 सीटी लगा लेंगे। पानी बॉयल होने लगेगा तब हम चावल डालेंगे। पानी अच्छे से बॉयल होने लगा है तो हम बासमती राइस डाल देंगे इसमें। चावल को बहुत अधिक हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, क्योंकि पहले से सोख करके रखा है। स्वाद के अनुसार मैं नमक डाल दूंगी इसमें। दो सीटी तक इसे पका लेंगे। दाल हमारी ठंडी हो गई है, इसे फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में हमने 2 चम्मच तेल डाला है, तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। 1 चम्मच मैंने जीरा डाल दिया है और जीरा तड़कने लगा है तो 1 चम्मच राई डाल दूंगी मैं इसमें। साथ ही कुछ कड़ी पत्ते के तो वो पत्ते डाल देंगे, इसे भी चटकने देंगे। लहसुन डाल दिया हमने, हल्का सा भुन जाए इसके बाद प्याज डाल देंगे। हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। प्याज डाल दी है मैंने, बहुत अच्छे से इसे भूनना है।
दाल और चावल का स्वाद आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, तो प्लीज एक बार इस तरह से बना के जरूर देखें। दाल फ्राई और जीरा राइस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लाल मिर्च के हमने कुछ टुकड़े करके रखे हैं, वो भी डाल दिए हैं, दाल में बहुत ही अच्छे लगते हैं। प्याज हल्का ब्राउन हो गया है, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है मैंने 1 चम्मच। इसे भी अच्छे से भून लेंगे। कटा हुआ टमाटर डाल दिया इसमें, और इसे पकने तक अच्छे से भून लेंगे। आप देखेंगे कि आप बार बार खुद ही बना के खाना चाहेंगे इस तरह से दाल को, तो प्लीज एक बार बना के जरूर देखें। टमाटर गलने तक अच्छी तरह से भूनना है मसाले को। दाल डाल देंगे इसमें थोड़ा थोड़ा करके। दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हल्का सा एक बॉयल आने देंगे दाल में। हरा धनिया डाल दूंगी मैं इसमें, और हमारी दाल तैयार हो गई है। थोड़ा सा हरा धनिया और डाल दिया है क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से बनाइए और गर्मा गर्म खाइए। दाल बन गई है तो हम इसमें निकाल लेते हैं। चावल भी बन गया है, आप देखिए एक एक दाना दाना बिखरा हुआ है। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं। बहुत ही कम समय में बनते हैं ये, तो आप तो चाहे अपने मेहमानों के लिए बनाएं, अपने लिए बनाएं, काफी अच्छे बनते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसे मैं एक बार बर्तन में निकाल लेती हूँ। लीजिए दाल फ्राई और जीरा राइस तैयार है। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।